देखो लाइफ क्या होती है लाइफ पढ़ाई पे जाता है किस पे जाता है हमेशा पढ़ाई पे है। किस पे स्टडी पे स्टडी पे हमेशा लाइफ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए लाइफ लाइफ को लाएग को करना चाहिए क्या करना चाहिए एंजॉय करना चाहिए पर हमें आज की दुनिया में पढ़ाई किस लिए करते हैं सबसे बड़ी टारगेट हमारी क्या होती है मैं बता रहा हूँ हमारी टारगेट क्या होना चाहिए यू पी एस सी यू पी एस सी का नाम सुने हो जिसको बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी तैयारी कहाँ से की जाती है और क्या होती है वेस्ट ठीक है यू पी एस सी की तैयारी को हम कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं यू पी एस सी की तैयारी को हम तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं कितने भागों में तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं ठीक है अब यू पी एस सी तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं फिर उसको भी तीन भागों में डिवाइड कर दो क्या कर दो तीन भागों में डिवाइड कर दो वीडियो कंप्लीट देखिएगा तो समझ में आएगा अब देखिए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सबसे पहले यहाँ पे क्लास वन से लेके क्लास एक से लेके और क्लास दसवीं तक हमें पढ़ाई करना पड़ता है टेंथ तक ठीक है टेंथ क्लास तक यानी कि दसवीं तक हमें पढ़ाई करना पड़ता है इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है बारहवीं का पेपर देना पड़ता है यानी ट्वेल्थ का फिर इसके बाद मायने नहीं रखता कि आप टेंथ के बाद क्या लेते हो आर्ट लेते हो साइंस लेते हो मैथ लेते हो या फिर कॉमर्स लेते हो बस चार ही सब्जेक्ट तो चलते हैं टेंथ के बाद आर्ट साइंस मैथ या कॉमर्स क्योंकि इन्हीं पे ही पूरा स्टडी टिका हुआ है इन्हीं पे पूरा स्टडी चल रहा है अब यहाँ के बाद हम बारहवीं में जाते हैं ट्वेल्थ में जाते हैं ट्वेल्थ के बाद हमारी तीन साल और लगती है किसकी ग्रेजुएशन की किसकी ग्रेजुएशन की या फिर ये जिसको हम कॉलेज लाइफ बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं कॉलेज लाइफ ये तीन साल की होती है आप डिप्लोमा के साथ डिग्री डिप्लोमा कर रहे हो तो चार साल की होगी और इसमें मैटर नहीं रखता कि आप क्या लियो हो आर्ट लियो साइंस लियो कॉमर्स लियो इसके बाद हमारी आगे लाइफ की जर्नी होती है क्या तैयारी की तो आप तैयारी कब कर सकते हो अब देखो यूपीएससी की मेन टारगेट हमारी क्या होनी चाहिए यूपीएससी होनी चाहिए टारगेट पर यहां से हम क्या करते हैं कि तैयारी किसका कर लेते हैं एसएससी का बैंकिंग का रेलवे का ठीक है और हर एक चीज का पटवारी का ये सब जो टारगेट होती है ना इनको हम ध्यान पे रखेंगे मगर मेन टारगेट ये होनी चाहिए अब कॉलेज की तीन लाइफ तैयार हो गई अब लोग ये सोचते हैं कि जब कॉलेज हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे कंपटीशन एग्जाम की जो हम क्या करेंगे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो हमें उस समय एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है बल्कि यूपीएससी की अगर तैयारी करनी अब यूपीएससी के क्या बनते हैं आईएएस आईपीएस 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 इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन आईएएस अब यूपीएससी क्यों करना जरूरी है पता है क्योंकि यूपीएससी जो होती है पूरी केंद्र की होती है किसकी होती है केंद्र की केंद्र यानी कि सेंटर की होती है अगर यूपीएससी से आप जॉब करोगे ठीक है यानी नौकरी करोगे तो आप भारत के इंडिया के भारत के किसी भी राज्य में किसी भी राज्य यानि कि स्टेट में आपका सिलेक्शन होगा बट आप एम मध्य प्रदेश की जो होती है एम पी पी एस सी एम पी एम पी पी एस सी या फिर स्टेट की जो होती है अलग अलग स्टेट की होती है तो एम पी पुलिस बनोगे यूपी पुलिस बनोगे ये बनोगे तो इनको सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नौकरी मिलेगा बल्कि मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगे और ये जैसे आईपीएस ओपीएस हो गए तो इनको बनने में बहुत टाइम लगेगा आईपीएस जो होती है ना एस होती है डी एस होती है इनको बनने में बहुत टाइम लगेगा अगर आप एम पी पी एस सी से जाओगे बल्कि यू पी एस सी से जाओगे तो बहुत जल्दी होगा अब इसकी तैयारी की बात की जाए कि तैयारी कब करना चाहिए तो तैयारी हमें एक क्लास से तो नहीं कर सकते तैयारी इसकी क्या होती है जो बेस्ट तैयारी होती है क्या होती है बेस्ट वेस्ट जो तैयारी होती है और वेस्ट तैयारी जो इसका होता है वो होता है क्लास से किसकी सिक्स क्लास से जैसे क्लास पे आते हो, तो कि सब्जेक्ट हमको मिल जाते हैं कितने सब्जेक्ट छ सब्जेक्ट छ सब्जेक्ट हमें मिल जाते हैं आ, मिल जाता है आपको सोशोलॉजी सामाजिक विज्ञान जिसको सोशोलॉजी बोलते हैं मैथ मिल जाता है सामाजिक विज्ञान मैथ इंग्लिश और हिंदी विज्ञान और एक कौन सी विषय होती है संस्कृत और सहायक वचन यानी कि सात विषय मिल जाते हैं तो सहायक मिल जाते हैं साइंस भी मिल जाता है मैथ भी मिल जाता है हर एक चीज मिल जाता है तो हमारी तैयारी क्लास सिक्स से होनी चाहिए अब लोगों को क्या करना चाहिए कि जो बड़े लोग हैं जिनके पास मोबाइल है वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनको ये छोटे जो बच्चे हैं ना कक्षा 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 के के दस के उनको बताना चाहिए यार कि मैंने ये ये याद कर लिया, ये, ये नहीं याद किया है अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉलेज पहुंचने के बाद कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे गलत गलत है नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा सिक्स क्लास से स्टार्ट कर दो सिलेबस दिखाओ लोगों को बताओ क्लास सिक्स से तैयारी कर दो थोड़ा थोड़ा मैटर स्टार्ट कर दो थोड़ी थोड़ी आठवीं पहुँचते पहुँचते नाइन्थ क्लास में आपकी फुल फुल तैयारी हो जानी चाहिए क्योंकि नाइन्थ क्लास में अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे तो एसएससी ऐस बैंकिंग जैसे रोल को अदा कर पाओगे